हेलो गाइस, वेलकम 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 टू एजुकिडीज द हिंदू एनालिसिस, जो होता है हर रोज 6 PM पर। ये करंट अफेयर्स जो है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप प्रिपरेशन करें तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे से। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डू नॉट हैव गुड थिंग्स ऑन देम, गेट योर सेल्फ ऑन टू द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वेयर योर डिजायर्स आर सिटिंग। टू डू दैट, लुक एट एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ विद न्यू आइज, विद ग्रेटफुल आइज, विद पॉजिटिव आइज एंड विद आइज दैट ओनली सी द गुड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप देखेंगे उसमें दो चीज़ें, आप नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप उसको पॉजिटिव तरीके से सोचें, आप थैंक यू करें। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंक यू करना हर वो चीज़ जो आपको मिल चुकी है, क्योंकि जो भी चीज़ आपके पास है ना, वो किसी की ड्रीम है, ये याद रखना। आपके पास कुछ भी है, ठीक है, हम हमेशा ड्रीम करते हैं कि यार मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, बट जो भी चीज़ आप, शायद जिस फ़ोन से आप मुझे देख रहे हो ना, वो किसी की ड्रीम है, जिस डेस्कटॉप से आप मुझे देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, वो किसी की ड्रीम है, बट आपके पास वो है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए कि अच्छा हाँ ठीक है तो है। नहीं, यू शुड बी थैंकफुल। एंड जब भी आप थैंकफुल होते हो ना, बड़ा मज़ा आता है। Adjust your vision and start to see clearly. Life is spectacularly beautiful. Yes, it is very, very beautiful if you see it that way. And अगर रोते रहोगे, अरे कट रही है घिसी पिटी जिंदगी, तो मुझे ऐसे लोग बड़े गंदे लगते हैं जो ऐसे रोते रहते हैं। ठीक है, डिफेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं, उनको बोल दिया गया है कि भैया तुम जो है ना, कोई डिसीजन ले लो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता हम तुमसे ज़्यादा खुश नहीं है। तो अब यहाँ पर हम एक स्टोरी सुनेंगे जल्दी जल्दी से, और ये नोट नहीं करनी है क्योंकि ये स्टोरी जो है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, पर है ये रियल में। शिवसेना नाम की एक पार्टी है, महाराष्ट्र की पार्टी है। तो अब शिवसेना के अंदर दो ग्रुप्स बन गए, ठीक है ना, एक बन गया उद्धव ठाकरे का, ठीक है ना, और एक ग्रुप जो बना ना, वो बना एकनाथ शिंदे का। ठीक है, दो ग्रुप्स बन गए। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये सीएम हुआ करते थे, सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब एकनाथ शिंदे ने कहा कि देखो, जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके साथ प्लस ग्रुप ने कहा कि जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आइडियोलॉजी है वो मिलती नहीं है, इन्होंने जिस पार्टी के साथ मिलकर सीएम बने, ठीक है, उसके साथ आइडियोलॉजी नहीं मिलती, ये सब कुछ हुआ। तो एकनाथ शिंदे के साथ आ गई बीजेपी, ठीक है, वहाँ पर बीजेपी साथ में आ गई। तो बीजेपी के साथ मिलकर अब जो सत्ता थी, जो सीएम ऑफ महाराष्ट्र थे, वो कौन बन गए, सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे बन गए। ये स्टोरी जो है, इसको ध्यान से सुनेंगे। उद्धव ठाकरे विद एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई और सीएम ऑफ महाराष्ट्र बन गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग जो थे शिवसेना के, एकनाथ शिंदे एंड ग्रुप, वो ऐसे खुश नहीं थे कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यू सिस्टम है, वो सेम नहीं है, और बहुत चीज़ें जो है ये सरकार सही नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि हम ये अग्री नहीं करते इनसे, तो उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया। अब उन्होंने अलग ग्रुप बना लिया, ये नहीं कि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली या उन्होंने शिवसेना 2 बना ली, नहीं, उन्होंने विद इन शिवसेना डिवीजन हुई। क्या हुई, विद इन शिवसेना डिवीजन हुई। इतना समझ में आ रहा है, यस यस लिख दो इन द चैट सेक्शन अगर समझ में आ रहा है। विद इन शिवसेना डिवीजन हो गई। अब यार क्वेश्चन ये उठा कि शिवसेना किसको बिलोंग करती है, ये जो शिवसेना पार्टी है ये किसकी हुई, ठीक है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये मेरी है, ठीक है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मेरी है, तो किसकी है ये, किसकी पार्टी है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरी बात, अगर कोई ऐसे पार्टी चेंज करे, जैसे एकनाथ शिंदे है, उन्होंने पार्टी भी नहीं चेंज करी, वो एक ही ग्रुप का हिस्सा है, बट बीजेपी ने उसको बाहर से सपोर्ट दी है, ठीक है ना। अब अगर कोई ऐसे कर जाए, ठीक है, अब डिफेक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ द टर्म डिफेक्शन, या आप अगर लिखना चाहते हो, पहले नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, चेंजिंग ऑफ पार्टी एज एन MLA और MP, ठीक है। MLA क्या होता है, MP क्या होता है, MLA इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली को बोलते हैं MLA, ठीक है ना, स्टेट असेंबली, एंड MP इज लोकसभा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पार्टी चेंज हो रही है, ठीक है, तो अगर पार्टी चेंज कोई ऐसे करता है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्या हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। नो डाउट दे पर्सन कैन फाइट इलेक्शन अगेन, बट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। बट कुछ केसेस के अंदर, अंडर सम सर्कमस्टांसेस, डिस्क्वालिफिकेशन डजंट टेक प्लेस। सम सर्कमस्टांसेस के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन डजंट टेक्स प्लेस, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, इट डजेंट हैपन, डिस्क्वालिफिकेशन डजेंट टेक्स प्लेस इन सम। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन, डिफेक्शन हुआ है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, अगर डिफेक्शन नहीं हुआ, इफ डिफेक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अब कौन डिसाइड करेगा डिफेक्शन हुआ है या नहीं, वो डिसाइड करता है स्पीकर,
वो डिसाइड करता है स्पीकर। इतनी बात समझ में आ गई? तो स्पीकर अब यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जो स्पीकर है वो कौन है, राहुल नरवेकर। उनको डिसाइड करना है कि डिफेक्शन हुई है या नहीं, तभी डिस्क्वालिफिकेशन होगा। डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कहाँ पे बात हुई हुई है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लिखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कहाँ पे दिया हुआ है, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर एग्जाम का मोस्टली PYQ है। दिस इज अ PYQ ऑफ ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एग्जाम। दिस इज अ PYQ ऑफ ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि यार टाइमली डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं केशव मेघा चंद्रा सिंह वर्सेस मणिपुर स्पीकर 2023 जज, उन्होंने कहा था डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन विद इन अ मैक्सिमम 3 मंथ्स अनलेस देर आर। तो ये हम लिखेंगे, सभी लिखेंगे केशव मेघा चंद्रा। ठीक है, वर्सेस मणिपुर स्पीकर, क्या कहा था इसमें, इस केस में कहा गया था, लिखेंगे स्पीकर्स, इट वाज हेल्ड स्पीकर्स, इट वाज हेल्ड दैट स्पीकर्स शुड डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस विद इन अ मैक्सिमम 3 मंथ्स अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब क्या कह रहे हैं वो कि यार डिस्क्वालिफिकेशन करनी है या नहीं करनी है, स्पीकर को कितनी देर में डिसाइड करना होगा, 3 मंथ्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स में डिसाइड करना होगा। ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था, केशव मेघा चंद्रा वर्सेस मणिपुर स्पीकर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये केस आया था उसमें ये बोला गया था, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2019 के अंदर स्पीकर हु कैनॉट स्टे अलूफ, उन्होंने कहा था यार जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के दबाव में आकर, ठीक है, प्रेशर में आकर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो वो स्पीकर बनने के लायक ही नहीं। कर्नाटका MLA डिस्क्वालिफिकेशन केस 2019 में ये बोला गया था। हमारे लिए ये वाली इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए सीडीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और लॉ एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो हर कोई ये लिखेगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहां पर बात हो रही है वो तो आपको पता ही है। टाटा मोटर्स अवॉर्डेड ₹766 करोड़ इन सिंगूर केस। तो ये कौन सा केस है, देखिए टाटा मोटर्स ने अपनी जो फैक्ट्री थी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था वो वेस्ट बंगाल में लगाया था, जो कि कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से उसको रिलोकेट करना पड़ा। द कंपनी वॉज फोर्स टू रिलोकेट द प्रोजेक्ट टू सनानंद इन गुजरात। अ 3-member आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होती है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में डिसाइड किया जाता है कि ऑब्वियसली उन्होंने वहां पर सेटअप कर लिया था सारा, उनको वो सेटअप मूव करना पड़ा, कितना पैसा लगा होगा उन लोगों का, तो उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन मिला। तो टाटा मोटर्स को इतना जो कॉम्पनसेशन है फाइनल अवार्ड का, आर्बिट्रेशन में अवार्ड का मतलब क्या होता है, जजमेंट, जो फाइनल डिसीजन आया है। अवार्ड का मतलब क्या है, फाइनल डिसीजन। अवार्ड का मतलब क्या है, फाइनल डिसीजन। तो यहां पे हम लिखेंगे टाटा मोटर्स अवार्डेड, टाटा मोटर्स अवार्डेड ₹766 करोड़ इन सिंगूर केस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, टाटा मोटर्स फाइट अगेंस्ट, टाटा मोटर्स फाइट अगेंस्ट वेस्ट बंगाल फॉर कैंसलिंग इट्स नैनो स्मॉल कार प्रोजेक्ट विच फोर्स्ड द कंपनी टू रिलोकेट the project to Sanand
कहाँ? सन एंड, ठीक है, इन गुजरात, ठीक है. आर्बिट्रेशन अवार्ड इन फेवर ऑफ, आर्बिट्रेशन अवार्ड इन फेवर ऑफ टाटा मोटर्स, ठीक है ना. आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है? अवार्ड इज, व्हाट इज अवार्ड? फाइनल डिसीजन. अवार्ड इज फाइनल डिसीजन और जजमेंट, ठीक है जी. तो ठीक है, ये हुआ. फिर अब इसके अंदर बेसिकली टाटा ने जो अपना नैनो का स्मॉल कार प्रोजेक्ट था वो वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट करना था, ठीक है ना. अब उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है. सेटअप वगैरह हो चुका होगा, तो उसके अंदर दे वर फोर्स टू लीव एंड दे वर फोर्स टू रीलोकेट. अब रीलोकेट करके वो गए कहाँ पर? गुजरात. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रीलोकेट करके कहाँ पर गए, पहले कहाँ पे लगना था, कितने पैसे अब मिलेंगे टाटा मोटर्स को, ठीक है. और आर्बिट्रेशनल अवार्ड के अंदर ये हुआ है, फाइनल डिसीजन जजमेंट जो होती है उसको अवार्ड कहते हैं आर्बिट्रेशन में, ठीक है जी. समझ में आ गया. अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट आर्टिकल पर. एपी ट्रेन क्रैश, आंध्र प्रदेश में ट्रेन क्रैश हो गया. द डेथ टॉल इन ट्रेन एक्सीडेंट नियर कांटाकापल्ली स्टेशन इन वाजियाना ग्राम इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रोज टू 14 एंड द नंबर ऑफ इंजर्ड हैज गॉन अप टू 38. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स हु अप्राइज्ड चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ऑफ द ट्रेजेडी व्हेन ही मेट द विक्टिम्स एट अ हॉस्पिटल इन विजानागरम ऑन मंडे, रेलवे ऑफिशियल्स हाउएवर पुट टॉल एट 13 एंड द इंजर्ड एट 30. मतलब कितने लोगों की डेथ हुई है. रेलवे ऑफिशियल्स प्राइमरली सस्पेक्टेड दैट द रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ओवरशूटिंग द सिग्नल वॉज द मेन कॉज ऑफ फैटल एक्सीडेंट. तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी थी, द पलासा पैसेंजर ट्रेन वॉज गोइंग ऑन द मिडल लाइन एंड इज सेट टू हैव स्लोड डाउन. इन द मीन टाइम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ओवरशॉट द सिग्नल एंड हिट फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है. एक ट्रेन ऑलरेडी पटरी पर जा रही थी और वो स्लो डाउन हो गई, ठीक है, और पीछे से ये ट्रेन आई तो उसमें बजी. इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है ना, और मतलब डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा. ट्रेन बहुत सारी ट्रेन एक ही पटरी पर चलती हैं, बट ऑब्वियसली उनके आपस में डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होता है. तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे आंध्र प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट, आंध्र प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट. अब ये ट्रेन एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? नियर कांताकापल्ली, ठीक है, कांताकापल्ली स्टेशन इन विजयानागरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है ना. अब यहाँ पे ट्रेन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व थी? प्राइमरी सस्पेक्ट क्या कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ हो सकता है. अभी वैसे वो होगी, इंक्वायरी होगी. रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड हिट पलासा पैसेंजर ट्रेन. तो ये पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है ना, पीछे से मारा आकर, ठीक है. ये वाली स्लो डाउन हो गई थी, इसकी स्पीड हाई स्पीड थी. देयर वाज नो कवच. कवच क्या है? देखिए, कवच जो है वो एक सिस्टम है, डाटा लॉगर रिकॉर्डर वगैरह ले चुका है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके. कवच सिस्टम वाज नॉट अवेलेबल. कवच जो है वो बता देता है कि भाई इतने डिस्टेंस पे ट्रेन है, तो वो अपने आप ही रोक देता है. तो कवच सिस्टम इज एंटी कोलिजन कवर सिस्टम, ठीक है. कवर सिस्टम नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कवर सिस्टम क्या है. कवर सिस्टम इज एंटी कोलिजन कवच सिस्टम, ठीक है ना. व्हाट इज इट? कवर सिस्टम क्या है? एंटी कोलिजन कवर सिस्टम क्या है? एंटी कवर कोलिजन है, मतलब ट्रेन्स को आपस में कोलाइड नहीं होने, भिड़ने नहीं देता. उसके बाद आगे चलेंगे. द ईडीज केस इज बिहाइंड. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो दिल्ली में केस चल रहा है अगेंस्ट द दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विद रिगार्ड टू द एक्साइज पॉलिसी केस,
ठीक है ना, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी बेल है वो रिफ्यूज कर दी है। उसी केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम ऑफ दिल्ली है उनको क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिफ्यूज कर दिया इसका मतलब समथिंग इज फिशी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ नहीं फिशी होता तो फॉर श्योर बेल दे देता, ठीक है। तो इसके अंदर मनीष सिसोदिया पे जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा ही अब मतलब वो हो गए कि हाँ भाई कुछ तो करा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को तो लगा होगा कि हाँ कुछ तो है ऊपर पर लग रहा है कि हाँ यार किया है इसने, तभी नहीं बेल देता है। तो ये अभी दिमाग में रखना है, पॉलिटिकल इशू है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें। एम जी नरेक्स वर्कर इन बंगाल सीख वर्क अंडर खेला होबे। अब एम जी नरेक्स क्या है? 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी स्कीम है, 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी स्कीम है रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। अगर आपने पहले नोट किया हो तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो है वेस्ट बंगाल में इससे रिलेटेड कुछ इशू आ रहे थे, तो वेस्ट बंगाल अपनी स्कीम लेकर आया, एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हम यहाँ पे सभी लिखेंगे खेला होबे, ठीक है ना। तो खेला होबे स्कीम क्या है, किसकी स्कीम है ये? वेस्ट बंगाल की स्कीम है, वेस्ट बंगाल स्कीम, ठीक है। कौन सी स्टेट की स्कीम अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे पास आंसर है वेस्ट बंगाल की, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन लाइन्स विद एम जी नरेक्स, ठीक है। अब एम जी नरेक्स की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, वो क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी, 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी कहाँ पर? इन रूरल एरियाज, ठीक है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो गई। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो स्कीम है ये कौन से स्टेट की स्कीम है और इसमें क्या होगा? खेला होबे में तो ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट्स की स्कीम है, तो ये थोड़ी अलग सी हो गई, तो इसका क्वेश्चन ज़्यादा बनता हुआ नज़र आता है। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल। इतना ही याद रख लोगे तो बहुत बढ़िया, एम जी नरेक्स की फुल फॉर्म याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। रिसर्चर्स आइडेंटिफाई अ न्यू मशरूम स्पीशीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे यार न्यू मशरूम स्पीशीज की बजाय आपको ये पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे? एट पलोडी इन थिरुवनंतपुरम। तो यही हम लिखेंगे, जवाहर जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटैनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज JNTBGRI एट पलोडे इन थिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया ये बताओ कि ये है कहाँ पर, ठीक है ना। अब तुम्हें ये पता है कहाँ पर है, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन वहाँ पे हो सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। माओइस्ट ओपन फायर एट अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन सेम क्वेश्चन, अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, कहाँ पे है? कन्नूर इन केरला, ठीक है ना। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? कुनूर इन केरला। बस यही क्वेश्चन बनता है। आगे चलेंगे। द इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज एट अ ब्लेंड पॉइंट। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं? द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 एंड 338 embodied the principle of land for peace. Israel should have ideally withdrawn from occupied land in West Bank, Gaza and East Jerusalem in return for peace, which is security, recognition, normalcy and peace. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इसराइल भी कम नहीं है, ठीक है ना। उसने वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कब्जा रखा हुआ है, गाजा ईस्ट जेरूसलम पर रखा हुआ है, अगर ये सब कुछ छोड़ दे वो तो उसको
क्या मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा उसको, रिकग्निशन मिल जाएगी उसको, नॉर्मल लाइफ मिल जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसराइल के लोग भी पीसफुल जिंदगी जिएंगे और पैलेस्टीन के भी। इंटरेस्टिंगली द रिवाइज 2017 चार्टर ऑफ हमास टू एक्सेप्टेड अ टू स्टेट सोल्यूशन बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर्स। जैसे 1967 में बॉर्डर्स डिसाइड हुए थे, हमास ने अपने 2017 के चार्टर में कहा था कि अगर वो टू स्टेट सोल्यूशन निकलता है तो बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसराइल इशू, इसराइल इसराइल पैलेस्टीन इशू। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, इन 2017 चार्टर ऑफ हमास इट एक्सेप्टेड टू स्टेट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर्स, कि जैसे 1967 में बॉर्डर्स डिसाइड हुए थे अगर वैसे हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें मतलब वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। हमास के, हमास वालों ने कहा था जो गाजा में है अभी, जिसके ऊपर इसराइल अटैक कर रहा है। लेट अस फेस इट द टू स्टेट सॉल्यूशन अलोन कैन ब्रिंग पीस, अ वन स्टेट सॉल्यूशन मतलब अलग अलग कर दो इन स्टेट्स को, बढ़िया रहेगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। इसराइल अंडरस्टैंडेबली कैनॉट लेट हमास टेरर गो अनचैलेंज्ड। अब वो कह रहे हैं जो 7 अक्टूबर को हुआ इसराइल के अंदर, वो ऐसे ही अनदेखा तो कर नहीं सकता है, ठीक है ना। ठीक है, वो अपने हमास इन गाजा नीड्स टू बी डिसमेंटल्ड, इसराइली होस्टेजेस रिलीज, ठीक है। उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमास ने बिल्ड कर रखा है, टनल्स वगैरह, वो भी ये डिस्ट्रॉय करेगा ही। बट वो कह रहे हैं इसका एंड टू एंड सोल्यूशन क्या है, इसका एंड सोल्यूशन निकालना चाहिए। द आयरनी ऑफ इसराइल पैलेस्टीन हिस्ट्री इज दैट इट इज ओनली वैन देर इज अ मेजर वायलेंट कॉन्फ्लेग्रेशन दैट पैलेस्टीनियन इशू रिसीव्स अटेंशन। तो वो कहते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है, जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तभी वो इशू को लोग देखते हैं और बाद में भूल जाते हैं। द यॉम किपुर वॉर ऑफ 1973 लेड टू, अब यॉम किपुर वॉर जो है ये हम सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, एक हमने कल भी पढ़ लिया था इसके बारे में, तो ये हमें पता होना चाहिए जो यॉम किपुर वॉर है उससे क्या हुआ था, रिजल्ट क्या हुआ था, डेविड अकॉर्ड साइन हुआ था 1978 में। तो इसको एक बार हम दोबारा से लिख लेंगे, ऊपर एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, चलिए साथ में लिखते हैं, यॉम किपुर वॉर, यॉम लिखेंगे दूसरा, यॉम किपुर वॉर of 1973 led to Israel-Egypt Camp David Accords in 1978 with the promise of Palestinian self-rule। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब यॉम किपुर वाली वॉर हुई, जिसके अंदर हमने कल पढ़ा कि इजिप्ट और ये सब इकट्ठे होकर लड़े इसराइल से, तो इसका जो एंड था वो क्या हुआ, 1987 में डेविड अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें कहा गया कि पैलेस्टीन जो है वो खुद को रूल कर पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर व्हेन नथिंग हैपेंड, ठीक है, तो अब एक और अपराइजिंग हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट अपराइजिंग, नेक्स्ट इंटिफादा केमिन, मतलब अपराइजिंग मतलब लड़ाई, केमिन 1987, ठीक है, हमास केम इन टू एग्जिस्टेंस। द इंटिफेंडा लेड, दिस इंटिफेंडा, द इंटिफेंडा, द इंटिफेंडा लेड टू ओस्लो अकॉर्ड्स ऑफ 1993 एंड 1995। अगेन इसके अंदर भी यही प्रॉमिस किया गया कि हम सेल्फ रूल दे देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं यार, ईयर्स पूछे जा सकते हैं इन वॉर्स के, इन अग्रीमेंट्स के, ठीक है। अनदर राउंड ऑफ बैकसाइडिंग वायलेंस। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया, या सोल्यूशन अगर दिया भी गया वो थोड़े टाइम का सोल्यूशन दिया गया, बट उसके बाद नहीं किया गया, ठीक है। जो अरब कंट्रीज थी जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, वो तो अपने रिलेशंस नॉर्मल करने लग गए थे इसराइल के साथ, बट पैलेस्टीन इशू का कोई सोल्यूशन निकाला नहीं गया। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे, इंडिया इज एक्सप्लेन्ड। अब इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली में, ये हम थर्ड या फोर्थ टाइम पढ़े, तो आई एम गोइंग टू रश थ्रू दिस, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो परसों वाले में आई थिंक हमने किया था ये,
तो यूएनजीए में, दैट इज यूएन जनरल असेंबली के अंदर, ये क्वेश्चन, ये रेजोल्यूशन लेकर आई गई. ठीक है, रेजोल्यूशन क्या थी कि जो सीज फायर होना चाहिए गाजा के अंदर, जो भी हो रहा है उसको रोक देना चाहिए. ठीक है ना. अब इसके अंदर, इस रेजोल्यूशन पे इंडिया ने अब्सटेन किया, मतलब इंडिया अब्सटेन मतलब इंडिया ने वोट ही नहीं किया. ठीक है, अब इंडिया ने वोट क्यों नहीं किया, इंडिया ने कहा कि देखो आपको टेरर अटैक जो हमास ने किया अक्टूबर 7 के अंदर इसराइल के अंदर जो हुआ, होस्टेजेस बनाए गए, ऐसे लोगों को घरों से निकाल निकाल के मारा गया, उसको भी आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए. ठीक है ना, आप सिर्फ और सिर्फ जो गाजा में हो रहा है उसको मत देखिए, आप उसको उसके साथ साथ इसराइल में जो हुआ वो भी देखना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कह रहा कि ठीक है, ऑल इंडिया कुड हैव वोटेड फॉर द मोशन विच वाइल रिकॉर्डिंग इन इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट. वो कहते हैं ईओवी भी वो दे सकते थे जिसके अंदर वो कह सकते थे कि क्रिटिसाइज करो, ऐसा फ्रांस ने किया. अब यहाँ पे ईओवी क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट. ठीक है, अब वो कर सकते थे, वो नहीं किया. या फिर इंडिया, वो कहता है, ऑर्डर कहता है कि इंडिया ने सेफ पोजिशन पोस्ट करी, ना तो उसने पैलेस्टीन की साइड ली, ना ही इसराइल की साइड ली, बाय बींग एबसेंट. ठीक है ना, तो वो कहते हैं ये जो है ये अच्छा नहीं है. ये एक ऑर्डर की ओपिनियन है, दिस इज कम्प्लीटली ओपिनियन. ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली ओपिनियन है. ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला UNGA, this is departure from India's UNGA vote in 2019 that called for Israel to cease excessive force in retaliatory strikes on Gaza at the time and is more in line with its decision to abstain on votes at UN in 2021. वो कहते हैं कि अब यूक्रेन रशिया पे भी इंडिया ने अब्सटेन किया 2018 के अंदर, दो इंडिया वोटेड. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं, इन 2018 UNGA's वोट कॉल्ड फॉर इजराइल टू सीज एक्सेसिव फोर्स. ठीक है ना, जो एक्सेसिव फोर्स है उसको नहीं यूज करे, दैट इज व्हाट दे सेड. ठीक है ना, 2018 में वोट किया था कि इजराइल को नहीं यूज करना चाहिए एक्सेसिव फोर्स. उसके बाद आवर्स आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स टोर थ्रू अ कन्वेंशन ऑफ सम 2000 मेंबर्स ऑफ अ माइनॉरिटी मिलेनेरियन चर्च ग्रुप. ठीक है ना, चर्च ग्रुप का फंक्शन कुछ मतलब हो रहा था, मीटिंग वगैरह केरला के अंदर, जब वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया. मार्टिन डोमिनिक टू सोशल मीडिया टू क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ टेरर विच किल 3 पीपल बिसाइड इंजरिंग 50 अदर्स. मार्टिन सेड, सो ही सेड दैट ही वॉज एस्ट्रेंज्ड. एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है टू कॉज यू टू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड समवन और समथिंग और डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद हिम और हर. ठीक है, तो ऐसा फील करवाया गया इस ग्रुप में. ठीक है, एंड ही दैट ही चोज टू पनिश इट फॉर प्रोपोगेटिंग एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स. और ये जो ग्रुप है ये एंटी नेशनल भी है. लेटर ही सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस विद दैट इज बिलीव टू बी एन एक्सटेंसिव ट्रेल ऑफ एविडेंस मेकिंग इट एन ओपन एंड शट केस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स. However, in view of the use of improvised explosive devices, IED, जो explosive devices use करी, planted in shopping bags to trigger the explosions, the state constituted a special investigation team to look into all possible angles, including if it was indeed a Reaganite solidarity mission. The National Investigation Agency and National Security Guard has begun their work. But what is more worrisome is the wave of speculation and communal frenzy. In the few hours between the blast and surrender of Martin, a minority community was kept on tenterhooks by communally charged social media posts loaded with insinuations and wild assertions of Kerala having become a den of jihadis. ठीक है ना, तो मतलब सोशल मीडिया पे जो हुआ कि जिहादीज आ गए, दैट द ब्लास्ट हैपन एमिड एक्सप्रेशंस ऑफ सॉलिडरिटी विद पैलेस्टीन बाय वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन केरला. तो लोगों ने क्या बोला कि केरला जो है एक डेन, एक जगह बन गई है जहाँ पे जिहादीज बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो ब्लास्ट हुआ ये किसको, पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हुए हुआ, क्योंकि केरला के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसराइल और पैलेस्टीन की वॉर के अंदर पैलेस्टीन को सपोर्ट करती हैं. अमंग दोज हु कास्टिगेटेड केरला फॉर हार्बरिंग टेरर वर यूनियन मिनिस्टर एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ठीक है, चूजिंग टू स्टर द कम्युनल, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलायबल एविडेंस गैदर्ड द पुलिस हैज नाउ रिकॉर्डेड द अरेस्ट ऑफ मार्टिन एंड चार्ज हिम अंडर वेरियस सेक्शन सच एज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स इफ देयर इज ट्रुथ. तो यहाँ पे वो अपनी ज्ञान बांट रहे हैं अब एंड में. ठीक है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए केरला ब्लास्ट के बारे में. तो ये लिखेंगे केरला ब्लास्ट, सबसे पहला पॉइंट. ठीक है, ब्लास्ट कन्वेंशन
एक्सप्लोजन टुक प्लेस एट अ कन्वेंशन ऑफ अ माइनॉरिटी मिलेनेरियन चर्च ग्रुप. मार्टिन डोमिनिक took responsibility, stated two reasons diye usne. Wo kaun kaun se reason the? Pehla, he was estranged. Number two, group propagating anti-national sentiment. ठीक है ना. NIA National Investigation Agency NIA to probe का मतलब investigate. ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे. पुटिंग द 70-hour वर्क वीक आइडिया इन टू परस्पेक्टिव. अब ये किसने 70-hour वर्क वीक का आइडिया किसने दिया? इन्फोसिस फाउंडर NR नारायणा मूर्ति रिसेंटली सेड दैट यंग इंडियंस मस्ट वर्क फॉर 70 hours अ वीक. द कॉमेंट हैज बीन मेट विद सपोर्ट फ्रॉम सम एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स. The comments are made in the first episode of a video series published by 314 Capital titled The Record. Assuming a 6-day work week, Mr. Murthy's comment means that Indians would have to work 11.5 hours of a day. How many hours does an average young Indian work at present? According to the time use survey conducted in India in 2019, a person aged 15 to 29 spends over 7.2 hours a day in employment and related activities in rural areas and 8.5 days a day in urban areas. तो इसको क्या कर देना चाहिए 11.5. आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? I think it depends from person to person. यार मेरा तो पता ही नहीं कितना हो जाता है, मैं अपना लगा रही थी, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है. Infosys founder, जब तक मेरी रात तक मेरी बस नहीं हो जाती तब तक मैं काम करना बंद नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ तो करती रहती हूँ. ठीक है, और ये मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ता है. ठीक है ना. सो इन्फोसिस फाउंडर NR नारायणा मूर्ति ये सेड दैट द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया शुड स्टार्ट वर्किंग, यंग इंडियंस मस्ट वर्क फॉर 70 hours अ वीक. ठीक है ना, इतना जो काम है यंग इंडियंस को करना चाहिए. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले इन्फोसिस के फाउंडर कौन है. ठीक है, या किसने ऐसा बोला था. ठीक है, बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे इतना काम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो हाँ ये हमें पता होना चाहिए. अब आगे चलेंगे. ईजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कार्गो बाय रेलवेज. अब यार हमने ये कल ही पढ़ा था कि रेलवेज के अंदर जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो उसकी टिकट इतनी ये चार्ज नहीं कर सकते, मतलब प्राइसिंग ऐसे नहीं रख सकते कि उससे ये प्रॉफिट कमा सके, तो वो तो लॉस में जा रहा है पैसेंजर वाला काम तो. बट रेलवेज का जो कार्गो का काम है, ठीक है ना, जो सामान इधर से उधर लेकर जा रहे हैं वो प्रॉफिट में जाता है. ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट जो है इस लॉस को माइनस कर कर आके रेलवेज अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं बना पाता है. बट हाँ, यहाँ पे ये भी क्लियर है कि अगर रेलवे प्रॉफिट बनाना चाहता है अल्टीमेटली तो उसको कार्गो सेक्टर के अंदर ही बढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि पैसेंजर के अंदर वो टिकट्स के रेट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है. ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहा है रेलवेज? Identifying infrastructure investment in the sector as key thrust area, the government of India has formulated two policies. The PM Gati Shakti policy for a national master plan and national logistics policy. ठीक है ना, मास्टर प्लान बनाया एक. ठीक है ना, तो रेलवेज, इंडियन रेलवेज फर्स्ट पॉइंट बनेगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
has formulated two policies. And what are they? PM Gati Shakti, that is PMGS, and National Logistics Policy, that is NLP. अब यहाँ पे ये बताने कि PMGS क्या है. PMGS aims to, लिखेंगे PMGS aims to bring synergy to create a seamless multi-model transport network in India. With NMP employing technology and IT tools for coordinated. NNP के साथ करना चाहते हैं. With NMP. यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा. Government has formulated PM Gati Shakti policy for NLP National Logistics Policy. अच्छा NMP policy for National NMP. That is National Master Plan. ये add कर लो वहाँ पर. ठीक है. नेशनल मास्टर प्लान कैसे विद एनएमपी. ये एनएमपी के साथ एक तो ये ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं. ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एनएमपी इम्प्लॉइंग और एनएमपी के थ्रू टेक्नोलॉजी इम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजी एंड आईटी टूल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग ऑफ इंफ्रा structure. NLP focuses logistics, building a national logistics portal and integrating platforms of various ministries. Logistics saman, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, national logistics portal बनेगा. आप नीचे भी लिख सकते हैं national logistics portal. ठीक है, इसको यहाँ से उठा ही लेते हैं कि NLP क्या कर रहा है. ये यहाँ से उठा लेते हैं. ये क्या कह रहे हैं, national logistics portal बनेगा. ठीक है, और क्या होगा, integrating platforms of various ministries. ठीक है ना, ये होगा. नॉट मेनी मेजर पॉलिसी कॉम्पोनेंट्स एंड डिटेल्स आर अवेलेबल इन गवर्नमेंट वेबसाइट. इन रेफरेंस टू आई आर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन से थ्री थिंग्स पे मतलब वो कर रहे हैं. वन प्रोडक्ट एंड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट. इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे, मतलब जो पोस्ट है वो रेलवे नेटवर्क के थ्रू पहुंचे, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो जाएगा, दोनों का प्रॉफिट होगा. इंट्रोडक्शन ऑफ 400 वंदे भारत ट्रेन्स. तो ये जो अबाउट इंक्रीजिंग आई आर इंडियन रेलवे शेयर इन मूविंग कार्गो. ठीक है ना, तो ये सब इनके एम्स हैं. द आईआर हैज टेकन सम इनिशिएटिव्स. इट रिलैक्स ब्लॉक रेक रैक मूवमेंट रूल्स टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू लोड फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस परमिटेड मिनी. तो यहाँ पे जो कार्गो की फैसिलिटीज़ हैं वो ये ज़्यादा मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लीनियंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रेलवेज का यूज़ करें अपने सामान को इधर उधर भेजने के लिए. ठीक है, उसके बाद द एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स इनटू फ्लड प्रोन एरियाज. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर देखा गया कि इस साल बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल के अंदर. ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है. अकॉर्डिंग टू स्टडी लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड पब्लिश्ड इन नेचर ऑन October 4, फ्लड रिस्क इन मेनी सिटीज इज राइजिंग बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग इनटू फ्लड प्रोन एरियाज. यार हम सब जहाँ जहाँ पे भी रहते थे, ठीक है ना, आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं जहाँ पर आज की डेट में बहुत सारे फ्लैट्स, घर, इंडस्ट्री लग गई है, वो एक टाइम पे फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था. फॉरेस्ट एरिया में जब पहले फ्लड आ जाता था पता भी नहीं चलता था, बट आज की डेट में लोग रहते हैं वहाँ पे, और जब फ्लड जा रहे हैं तो पता भी चल रहा है. तो फ्लड प्रोन एरियाज के अंदर लोग सेटल होने लग गए सिटीज के अंदर, एंड देयर फोर बहुत सारी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो फ्लड प्रोन एरियाज के अंदर आकर बैठ गई हैं, तो इसलिए हमें फ्लड उनको झेलना पड़ रहा है. ठीक है, यहाँ पर थर्ड आफ्टर चाइना एंड वियतनाम, इंडिया जो है थर्ड है आफ्टर वियतनाम एंड चाइना अमंग कंट्रीज विद नाउ सेटलमेंट एक्सपैंडेड इन टू फ्लड प्रोन एरियाज. ठीक है ना, इंडिया इज थर्ड आफ्टर चाइना एंड वियतनाम
विद न्यू सेटलमेंट्स एक्सपैंडिंग इनटू फ्लड प्रोन एरियाज, ठीक है ना, ऑल फ्रॉम 1985 to 2015, इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री बन गया है जहां वियतनाम और चाइना के बाद, जहां पर फ्लड प्रोन एरिया में, जहां पे फ्लड आ सकते हैं वहां पर लोग सेटल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक रीजन है। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज फोटोकॉपिंग, ठीक है ना। फोटोकॉपी क्या होता है? ब्रॉडली फोटोकॉपिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज टू डुप्लीकेट कंटेंट यूजिंग अमंग अदर थिंग्स लाइट। हाउएवर द कंटेम्प्रेरी कोलोकियल यूज ऑफ वर्ड फोटोकॉपिंग रेफर्स टू ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टू जेरोग्राफी। बोथ द जेरोग्राफी एंड द नेम जेरोक्स केम फ्रॉम ग्रीक रूट वर्ड जीरो विच मीन्स ड्राइंग। दिस इज बिकॉज जेरोग्राफी इज अ टाइप ऑफ फोटोकॉपिंग मेथड वेयर द प्रोसेस डजंट इन्वॉल्व मेसी लिक्विड केमिकल्स। जेरोग्राफी मशीन आर इन यूज अराउंड द वर्ल्ड टूडे टू क्विकली एंड चीपली प्रोड्यूस प्रिंटेड मटीरियल। तो फोटोकॉपिंग क्या है? फोटोकॉपिंग इसमें हम लिख लेते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं यार, ये ऐसे आया तो क्वेश्चन ना बन जाए, ठीक है। फोटोकॉपिंग के अंदर हम फर्स्ट पे क्या लिखेंगे? टेक्निक दैट मेनली यूजेस लाइट। क्या यूज करते हैं? लाइट यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे टेकन फ्रॉम द वर्ड जेरोग्राफी, और जेरोग्राफी कहाँ से लिया है? जेरोक्स से। जेरोक्स का मतलब क्या है? मीनिंग ड्राई, ठीक है। अब जेरोग्राफी हैज फ्यू, द फर्स्ट इज फोटो कंडक्टिव सर्विस, अ सर्फेस कोटेड विद अ फोटो कंड्यूसिव, इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ हंगेरियन इंजीनियरिंग पॉल सिनेरी इन अमेरिकन एटॉर्नी चेफ केम अप विद द रूडिमेंट्री वर्जन ऑफ जेरोग्राफी बाय 1938। अटॉर्नी, अमेरिकन अटॉर्नी, यही कर सकते हैं। लॉयर्स बहुत फोटोकॉपी करते हैं, काम ही फोटोकॉपी कराना है, ठीक है। तो यहां पर इंस्पायर्ड बाय हंगेरियन इंजीनियर पॉल सेलिनी एंड अमेरिकन अटॉर्नी चेस्टर एफ कार्लसन केम अप विद जेरोग्राफी बाय 1938। तो ड्राई वर्जन होता है ये, ठीक है ना। बहुत कम एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, बट कर लो यार, दो हिंदू में आया। COVID-19 वैक्सीनेशन डिड नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सडन डेथ्स अमंग यंग एडल्ट्स, बट हेल्थ इश्यूज एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स अपीयर टू प्ले अ मोर प्रोमिनेंट रोल इन दीज इवेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टडी। वो कहते हैं कोविड की वैक्सीन की वजह से नहीं तुम बीमार हो रहे हो, तुम्हारे लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से तुम बीमार हो रहे हो। लाइफस्टाइल इश्यूज मतलब एक्सरसाइज ना करना, बहुत सारी मैगी खाना, जंक फूड खाना, टाइम पर नहीं उठना, टाइम पर नहीं सोना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, रूल बेस्ड फ्री मैरीटाइम ऑर्डर इज प्रायोरिटी। अ फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर इज प्रायोरिटी फॉर ऑल, माइट इज राइट इज नो प्लेस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रूल्स होने चाहिए कि जो सी ओशन हमारे साथ लगता है उसके अंदर, ये नहीं कि माइट इज राइट, जैसे चाइना कहता है क्योंकि साउथ चाइना सी का नाम साउथ चाइना है तो वो सारा मेरा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव which brought together chiefs of navies and heads of maritime agencies of 12 countries in the Indian Ocean region. तो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे Goa Maritime Conclave, that is GMC, ठीक है। What is it? brought together chiefs of navies and heads of maritime agencies, ठीक है ना, of 12 countries of IOR, that is IOR क्या है? Indian Ocean region।
नेवी चीफ एडमायरल आर हरी कुमार सेड द लास्ट कॉन्क्लेव इन 2021 हैड वर्कड ऑन फाइंडिंग द कॉमन मैरिटाइम प्रायोरिटीज एंड द री आफ्टर इन हिज कॉन्क्लेव वी आर लुकिंग एट जनरेटिंग कोलाबोरेटिंग मिटिगेटिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस दीज प्रायोरिटीज. ठीक है ना, तो ये कुछ फ्रेमवर्क वेमवर्क लेकर आएंगे. अभी हमें पता होना चाहिए कि मैरिटाइम कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ था, गोवा के अंदर हुआ. ठीक है, और इसके अंदर कौन से रीजन की 12 कंट्रीज आई थी, इंडियन ओशन रीजन की 12 कंट्रीज के नेवीज और हेड्स ने, चीफ ऑफ नेवीज एंड हेड ऑफ मैरिटाइम ने पार्टिसिपेट किया. ठीक है, आईसीसी लॉयर इश्यूज वार्निंग ओवर स्टॉपिंग एड फ्रॉम रीचिंग गाजा. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्रोसिक्यूटर करीम खान सेड प्रिवेंटिंग असेस टू ह्यूमैनिटेरियन एड कुड बी अ क्राइम आफ्टर विजिटिंग इजिप्ट राफा क्रॉसिंग विद गाजा द मेन एंट्री पॉइंट फॉर इंटरनेशनल एड इम्पीडिंग रिलीफ सप्लाईज एज प्रोवाइडेड बाई जिनीवा कन्वेंशन में कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम विद इन द कोर्ट जुरिस्डिक्शन. वो कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ पर जो हेल्प है, जो एड है, जैसे कि फूड, फ्यूल, ये सब मेडिसिन, ये नहीं जाने दोगे तो दिस इज़ अ क्राइम अंडर जिनीवा कन्वेंशन. ठीक है, इसके बारे में अगर ज़्यादा लिखेंगे तो फिर हम नोट करेंगे, अभी नहीं. बाइडन साइंस ऑर्डर टू रेगुलेट AI इन USA डेज बिफोर सुनक्स AI सेफ्टी समिट. ऋषि सुनक कहाँ के PM है, ऋषि सुनक इज PM ऑफ UK. ठीक है ना, तो वहाँ पर उन्होंने कोई सेफ्टी समिट करनी थी UK वालों ने, उससे पहले US जो है एक ऑर्डर, एक यू नो ऑर्डर ले आए टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो पढ़ लेते हैं. US प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑन मंडे साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू इनेबल वाइड रेंजिंग रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, US President signed executive order to enable regulation of artificial intelligence AI. ठीक है ना, तो US प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, मिस्टर बाइडन्स ऑर्डर कम्स डेज आफ्टर UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक AI सेफ्टी समिट इन ब्लेचले पार्क. ठीक है ना, कीपन ये हम बाद में नोट करेंगे. मिस्टर बाइडन्स ऑर्डर इन्वोक्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लास्ट यूज टू गिव द US फेडरल गवर्नमेंट पावर्स टू डायरेक्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडमिक. यूजिंग दिस लॉ उन्होंने क्या इन्वोक किया है, मिस्टर बाइडन इन्वोक्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट. ठीक है, ये कब यूज हुआ था, लास्ट यूज टू गिव द US फेडरल गवर्नमेंट पावर्स टू डायरेक्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग COVID-19 पैंडमिक. ठीक है ना, कि COVID-19 पैंडमिक के ड्यूरिंग प्रोडक्शन का जो सिचुएशन था वो इसी एक्ट के थ्रू हैंडल किया गया. अब ये एक्ट दोबारा यूज करा जा रहा है. यूजिंग अबव लॉ कंपनीज डेवलपिंग AI सिस्टम्स will be required to notify the US federal government of technologies that have implications for US national security. Economic security, public health, and share results of safety and safety tests. ठीक है, मंडे एक्शन establish an AI safety body and orders the institution of safety testing. Monday's action establishes AI also established AI safety बॉडी. अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो US फेडरल गवर्नमेंट पावर्स हैं टू डायरेक्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग कोविड, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो ठीक है कि ये तब यूज़ किया गया था. अब इस एक्ट के अंदर जो है
जो कंपनीज एआई पे काम कर रही हैं, डेवलपिंग एआई सिस्टम जो कि नेशनल सिक्योरिटी को कुछ कर सकते हैं, ठीक है, उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा और एआई सेफ्टी बॉडी भी बना दे और इनके साथ टेस्ट भी शेयर करने पड़ेंगे. मिस्टर बाइडन ऑल्सो कॉल्ड ऑन द US कांग्रेस टू पास bipartisan privacy legislation on Monday. The order seeks to ensure that AI does not exacerbate discrimination such as by issuing guidelines to lag multi-stakeholder consultations. ठीक है, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं. The actions taken to today support Japan's leadership of G7 Hiroshima process, the UK summit on AI safety, India's leadership as chair of global partnership on AI and ongoing discussions at United Nations. The White House से, ठीक है ना, तो बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं. G7 जो कि हिरोशिमा में हुई, वहां पर बोला गया कि एआई से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए. यूके के अंदर समिट हो रही है और जो इंडिया है वो लीडरशिप है एज द चेयर ऑफ इंडिया लीडरशिप, ये लिख लेते हैं इंडिया लीडरशिप यहाँ पे भी कि कैसे एआई के ऊपर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने पड़ेंगे. लीडरशिप एज चेयर ऑफ, पूरा ही डिलीट करके लिखते हैं, इंडिया लीडरशिप as chair of global partnership on AI. ठीक है जी, चलिए अब यहां पर जो हमें नोट करना है वो ये वाला पॉइंट है जो अलग से कर सकते हैं. यूके प्राइम मिनिस्टर AI सेफ्टी समिट इन ब्लेचले पार्क, ठीक है ना, ये मतलब ये भी होने वाली है वहाँ की सेफ्टी समिट की क्या करा जाए एआई से सेफ रहने के लिए. और यहाँ पर ये यूएसए का लॉग है. इन 100 स्टॉम एयरपोर्ट इन रशिया इन एंटी सेमिटिक, देखिए एंटी सेमिटिक क्या होता है, एंटी जूश, जूस के अगेंस्ट, अगेंस्ट जूस, हुआ जूस, दे आर दे द वंस हु हैव सेटल्ड इन इजराइल, दे आर इन इजराइल, ठीक है, क्योंकि इजराइल जो है वो पैलेस्टीन के साथ लड़ रहा है, तो उनकी फ्लाइट जब ऑस्ट्रेलिया के रशिया के अंदर आई तो लोग उनको मारने के लिए भागे, ठीक है, ये बता रहे हैं ये. उसके बाद चाइनीज वेसल बिगिंस रिसर्च ऑफ द कोस्ट ऑफ श्रीलंका अमिड इंडियाज कंसर्न. चाइनीज रिसर्च वेसल, क्या नाम है इसका, शियान 6, ठीक है, विच अराइव्ड इन कोलंबो लास्ट वीक एमिड कंसर्न्स रेज्ड बाय इंडिया एंड यूएस. अराइव्ड इन श्रीलंका कंसर्न्स रेज्ड बाय इंडिया एंड यूएस. This two-day research of the Sri Lankan coast on Monday, Sri Lankan authorities said the research will be pursued off Sri Lanka's western coast. ठीक है, in collaboration with research of Sri Lanka's western coast in collaboration with Sri Lanka's National Aquatic Resources Research and Development Agency, NARA, and University भी involved है इसमें, but हमें ये बस पता होना चाहिए कि श्रीलंका भी इसमें involved है. ठीक है, अब द मिनिस्ट्री हैड अर्लियर सेड द वेसल वॉज एट द कोलंबो पोर्ट फॉर रिप्लेनिशमेंट. ठीक है, ये कहाँ पर खड़ी है, कोलंबो पोर्ट पे खड़ी है, कोलंबो पोर्ट पर है और पहले ये बोला गया था रिप्लेनिशमेंट के लिए आई है, मतलब ठीक ठाक होने आई है, बट अब ये रिसर्च कर रही हैं. ठीक है, रिसर्च शिप शियान वॉज एडेड टू चाइनाज फ्लीट In December 2020, said to be the country's first scientific research vessel focusing on geophysical exploration. It is scheduled to operate to sea for about 80 days with 13 research team onboarding, pursuing 28 scientific research projects across 12,000 nautical miles. तो ये सारे research करने आई है. In September this year, INS Delhi, India's first indigenously built destroyer, undertook a goodwill visit to Sri Lanka. Last week, ROCKS Gwanggaeto, the great of the Korean Navy, and more recently Japan maritime destroyer so-and-so arrived at the त्रिंको मले हार्बर. तो ये सारी भी वहाँ पर गई है. तो हमें यहाँ पे क्या नोट करना है, कोलंबो पोर्ट, द शिप इज़ एट, यहाँ पे हम लिखेंगे द शिप इज़ एट, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लेंगे, शिप एट
ship at Colombo port. Earlier, ministry said is arriving for replenishment. ठीक है ना, रिसर्च शिप जो है, रिसर्च शिप शियान वॉज एडेड टू चाइनाज फ्लीट इन 2020, आप लिखेंगे इन दिसंबर 2020. ठीक है, इसका फोकस किस पे, फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च vessel focusing on geophysical exploration. ठीक है ना, तो ये है. उसके बाद और प्रीवियस शिप कौन सी गई थी वहां पर, ये बात कर रहे हैं. ये सिक्स पॉइंट बन जाएगा 2023 सितंबर के अंदर. INS दिल्ली, India's first indigenously built destroyer took goodwill visit to Sri Lanka. अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भैया इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट डिस्ट्रॉयर जो है उसका नाम क्या है. INS दिल्ली. वर्स्टैपन ने एक और जीत ली 16th इस सीजन की. मैक्स वर्स्टैपन वन मैक्सिकन मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है, आईआईटी टीम जो है उसको मिला है टू सिंथेसाइज अ कार्बन नैनो स्ट्रक्चर दैट वाज ब्लैकर देन ब्लैक. अनन्या शाह एंड सी सुब्रमण्यम स्टार्टेड विद अ मटेरियल दैट वाज वाइट. In Professor Subramaniam's laboratory in IIT Bombay, Dr. Shah heated a special form of silicon dust called DFNS in a furnace. Once heated, she introduced acetylene gas into the chamber. The white powder turned black, a sign that carbon had been deposited on DFNS. So basically, IIT team finds, ye bas upar se title likh lenge na to humara kaam ban jayega. IIT team finds, IIT team ne IIT Bombay finds carbon flowers excelling at turning light to heat. ठीक है, बस ये लिखना है. किसने किया ये, आईआईटी मुंबई. बस सो गाइज दैट्स इट. loggery.in पर जा सकते हैं आप, वहाँ पर हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर्स के. करंट अफेयर्स लेक्चर्स की कंपाइलेशन है पूरे मंथ की. अगर आपको रिविजन करनी है या आपसे नोट्स नहीं बन रहे हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं. यहाँ पर आपको ₹300 के अंदर ना सिर्फ आपको पूरे मंथ की क्लासेस मिल जाएंगी बल्कि आपको PDF भी मिल जाएंगे, मतलब नोट्स भी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा. एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स. मॉक टेस्ट हमारे पास CUET के हैं और MHCET के हैं. एंड ये डेली नोट्स भी आप हमसे बाय कर सकते हैं loggery.in पर जाकर. सो जरूर विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है. कल मिलेंगे 6 PM पे. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. डू कॉमेंट, लाइक एंड शेयर. आपके कॉमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं तो जरूर कॉमेंट करिएगा. और आज का थॉट ऑफ द डे के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है ये भी जरूर शेयर करना. बाय.